एक सिंपोजियम और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा था हमने, जिसका उद्देश्य एक ही है कि हम ये अवेयरनेस पहुंचा सके लोगों तक कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिया जाए, कैसे हेल्दी एक लाइफ जी जाए। वह कार्ड है और भी जो गवर्नमेंट की हेल्थ के रिलेटेड स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट आज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। तो 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो सामने and first prize and we have the consolation prizes for the students. Chal chal now second prize Shruti bahut acha bana bahut acha bahut acha डॉक्टर पुनीत कार जी बताएं आज के प्रोग्राम के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इसमें मनाया जा रहा है। देखिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को, तो ये प्रोग्राम का जो आज इस बार का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, तो कहने का मकसद यही है कि सब तक जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो उस बंदे तक भी इसका बेनिफिट मिले जो कि लाइन में सबसे आखिर में खड़ा है। तो आप जैसे देखिए कि गोल्डन कार्ड हैं, आभा कार्ड्स हैं, तो इन सब डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसकी जो स्कीम्स के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे लोगों तक पहुंचे, यही हम लोगों को इस बारे में बताना चाहते हैं। और हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए, इसी विषय में आज हमने एक यहाँ पे सिंपोजियम और पोस्टर का राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा था, तो जिसमें काफी डिफरेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने व्यूज रखे कि हेल्थ कैसे अच्छी रखी जा सकती है। तो आज के प्रोग्राम करने का यही उद्देश्य था कि हम ये अवेयरनेस फैला सकें, सारे दुनिया तक ये अपना मैसेज पहुंचा सकें, उस गरीब तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि डिफरेंट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं जिसका वो बेनिफिट उस तक पहुंच सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। देखिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, वहाँ नेशनल लेवल पर ये मनाया जा रहा है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में हमने भी यहाँ पर AMT स्कूल में ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है। 7 अप्रैल हर साल जो है ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, जैसे कि हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन जो है 7 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, उसी जिम्मन में इस चीज़ को इसके साथ जोड़ा गया है और एवरी ईयर जो है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल, कि हमारे जितनी भी सोसाइटी है उसको हेल्थ जो है उसकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा था, डिफरेंट इश्यूज जिनसे हमारी हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो डिस्कस हुआ यहाँ पर, नशा में कुछ हमारे नौजवान जो लतपत हो चुके हैं उसको कैसे कंट्रोल करना वो चीज़ें डिस्कस की। उसके अलावा जो हमारी डिजीज़ हैं जिनसे हेल्थ हमारी सफ़र होती है तो उसमें हमारी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ें वो डिस्कस हुई यहाँ पर। उसके बाद अलावा जो है हमारा इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट किस लेवल पर ले गई है, वो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अपने लोगों को बेहतर हेल्थ सिस्टम जो दे सकें, वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो मैं आज मीडिया के थ्रू आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कहूँगा कि आप ये मैसेज हमारा पब्लिक तक दें कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम आपसे आपको बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं। वो जो फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ तक अवेलेबल है हमारे मेडिकल कॉलेजेस से लेकर रिमोट एरिया में जो हमारा सब सेंटर है उसको भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया और बहुत सी फैसिलिटीज वहां पर दे दी गई हैं। सिर्फ पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए
कि मेरे सब सेंटर में क्या चीज है वो वहां पर असर करे उसको, और जो चीज उससे बढ़कर होगी तो फिर वो हमारे आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ से अगर जरूरत होगी मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन पब्लिक का जो हम सबसे बड़ी चीज फेस कर रहे हैं कि पूरी नॉलेज ना होने की वजह से सीधा वो कहते हैं हमें यहाँ से रेफर कर दो चंडीगढ़, सीधा हमें यहाँ से रेफर कर दो मेडिकल कॉलेज। भाई अगर इलाज आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता तो आप क्यों आप मेडिकल कॉलेज जाओगे? अगर आपका सर रजौरी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में आ जाता तो आप चंडीगढ़ या अमृतसर क्यों जाओगे? तो पब्लिक को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ये हम हेल्थ वाले भी करेंगे, और जहाँ पर हमारे कैंप लगेंगे, हमारे हर विलेज में हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं, वहाँ पर ट्रेंड मैन पावर भी भेज दी गई है। इन आईसी जो हमारा मटेरियल है वो भी हर जगह लगा हुआ है, उसको डिटेल में पढ़ें। और जब भी कहीं कहीं हेल्थ मेला लगता है, हेल्थ कैंप लगता है, तो वहाँ लोग पब्लिक आए और चीज़ें सोचें कि हमारा क्या रोल है इस हेल्थ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हेल्थ